देश भर में करीब 1,90,000 दलितों पर पिछले 4 साल में हमले हुए हैं। केंद्र सरकार की ओर से मंगलवार को संसद में यह जानकारी दी गई। केंद्र सरकार ने बताया कि NCERB की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 सालों में दलित समुदाय के खिलाफ अपराधों में कम से कम 1,89,945 मामले दर्ज किए गए हैं। दरअसल BSP सांसद गिरीश चंद्र ने इसको लेकर सवाल किया था, जिसका जवाब केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने दिया। सांसद गिरीश चंद्र ने सरकार से पूछा था कि 2018 के बाद से दलितों पर हमले की घटनाओं की संख्या के आंकड़े क्या हैं। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से ये भी सवाल किया था कि क्या ऐसी घटनाओं पर नजर रखने के लिए कोई तंत्र है। BSP सांसद का जवाब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने देते हुए आंकड़े पेश किया। अजय मिश्रा टेनी ने कहा कि NCERB अपने प्रकाशन क्राइम इन इंडिया में अपराधों की सांख्यिकी डेटा इकट्ठा करने के साथ साथ प्रकाशित भी करता है। उसने एक रिपोर्ट बनाई थी जो साल 2021 में प्रकाशित हुई और ये डेटा उसी संदर्भ में था। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था के मामले पूरी तरह से राज्य सरकार के शासन के अधीन थे, फिर भी गृह मंत्रालय समय समय पर राज्यों, संघ शासित प्रदेशों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम और नियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सलाह जारी करता रहा है। वहीं AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा कि पिछले 2 सालों में राष्ट्रीय राजधानी में जनप्रतिनिधियों पर कितने हमले हुए हैं। इसे लेकर गृह मंत्रालय ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने ऐसे 4 मामले दर्ज किए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ओवैसी को जवाब देते हुए लिखा, इन 4 मामलों में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 2 मामलों में आरोप पत्र दायर किया गया है। सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अपने क्षेत्र में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए निगरानी रखें और ऐसी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।